किया जाए तो घर के जो रोजगार में उनके नए अवसर पैदा होंगे, और हम पशुपालन विभाग की तरफ से भी उनको पूरा प्रशिक्षित कर रहे हैं कि किस कौन कौन सी बीमारियां होती है, नस्ल सुधार कैसे किया जाए और एक अच्छे ग्रामीण क्षेत्रों से हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला हैं उनके लिए उनको एक एक्सपोजर विजिट के लिए मथुरा लेकर जाया जा रहा है। और ये नाबार्ड की तरफ से एक स्किल ट्रेनिंग के तहत एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके अंदर उन्हें जो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जो गोट मिल्क बकरी दूध की सहायता से जो हम कार्य कर सकते हैं उसको और किस तरह बेहतर प्रयोग में लिया जा सकता है, उसका एक एम्पावरमेंट एक्सपोजर विजिट हो रहा है। सभी महिलाओं को, पूरे जो नाबार्ड और एनजीओ स्टाफ है, उन सभी को हमारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं इसी प्रोग्राम से हम लार्जर स्केल पर और भी महिलाओं के लिए करते रहेंगे। कितने दिन का टूर है इनका? ये 3 से 6 अक्टूबर के लिए है, तो 3 दिन का इनका विजिट है। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर नाबार्ड। और जैसा कि आप जानते हैं कि नाबार्ड हमेशा से ही किसानों के लिए काम करता है, मतलब सीमांत या छोटे किसान और स्पेशली वुमेन फार्मर्स के लिए, महिला किसानों के लिए खासकर हमारा कुछ ना कुछ अलग से प्रोग्राम रहता है। तो इसी कड़ी में एक हमारा प्रोग्राम होता है कैट एक्सपोजर विजिट, जिसके अंतर्गत हम इन सभी महिलाओं को जो कि GSBS एक जो हमारे NGO हैं उनके SHG के मेंबर्स हैं, उनको हम भेज रहे हैं मखदूम, क्योंकि ये सारी महिलाएं गोट रियरिंग की एक्टिविटी में शामिल हैं। उन लोग को हम ये सिखाना चाहते हैं कि गोट्स को या बकरी पालन को वो कैसे एक व्यवसाय के तौर पर अडॉप्ट कर सकती हैं और उससे अपनी कुछ इनकम जनरेट कर सकती हैं। मैम कितने दिन का कोर्स है, कितने दिन की टूर है वो कहाँ? तो जैसे नाबार्ड के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों तरह की विजिट्स कराते हैं, तो ये हमारी दूसरे राज्य में क्योंकि विजिट है तो इसका ड्यूरेशन 3 दिन का रहेगा। वहाँ पर ये लोग आज निकलेंगे और 6 अक्टूबर को ये लोग वापस आएंगे, तो 3 दिन वहाँ पर रहकर ये लोग देखेंगे सभी महिलाएँ कि किस तरह से उन्नत बकरी पालन जो है किया जा सकता है। आगे क्या फ़ायदा मिलेगा इनको? आगे सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि जैसे अभी भी हमने महिलाओं से बात की तो उनके काफ़ी सारी क्वेरीज रहती हैं कि जो उनके जानवर हैं मर जाते हैं या फिर इतना पनप नहीं पाते, इतना स्ट्रांग नहीं हो पाते कि उनकी उन्हें अच्छी कीमत मिल सके या फिर इतना मिल्क नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह की सभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उनको वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से जानकारी। क्या वहाँ प्रशिक्षण देने वाले हैं डॉक्टर लोग या? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है तो वहाँ सभी इस तरह के फैकल्टीज मौजूद हैं। गुड नेम मैम, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम शिल्पी जैन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर नाबार्ड अजमेर। नाबार्ड द्वारा जो महिलाएं मखदूम भेजी जा रही प्रशिक्षण के लिए, आप लोग जानते हो अजमेर ज़िला पशुपालन के क्षेत्र में बहुत मायना रखता है, अहमियत रखता है राज्य में भी और देश में भी। बकरी पालन कह दो या गिर पालन कह दो या अशुपालन कह दो या पोल्ट्री का, पशुपालन के बहुत स्कोप है और उसी में से एक बकरी पालन का है। नाबार्ड इसमें पहल कर रहा है, यहाँ की महिला पशुपालकों को खासतौर से इनको एक इंस्टीट्यूट में वहाँ भेज रहे हैं जहाँ ये अच्छे लेवल पे एक और कुछ प्रशिक्षित होंगे। बकरी पालन के लिए अगर महिलाओं को ट्रेन किया जाए तो घर के जो रोजगार में उनके नए अवसर पैदा होंगे, और हम पशुपालन विभाग की तरफ से भी उनको पूरा प्रशिक्षित कर रहे हैं कि किस कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, नस्ल सुधार कैसे किया जाए और एक अच्छे जो राज्य सरकार की भी जो योजना है उनका भी कैसे, NLM जैसे है उनका भी कैसे लाभ लिया जाए, इनके बारे में हम इनको बताते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार जो ये प्रशिक्षण के लिए जा रहे इन महिलाओं में से हमारे जिले के लिए एक प्रशिक्षित महिलाएं तैयार होगी जो बकरी पालन के लिए और भी सभी को एक तरह से प्रशिक्षित करेगी। डॉक्टर, कितनी महिलाएं आज अजमेर से जा रही है और कहाँ पे जा रही है? ये उत्तर प्रदेश के मखदूम में जा रही है और 50 लगभग की महिला है और क्या? ये अपने जवाजा और मसूदा क्षेत्र की महिला है। आगे रोजगार का अवसर मिलेगा इनको? 100% मैं बताना चाहूँगा कि अजमेर ज़िले में आज भी पड़ोसी राज्यों से बकरियाँ खरीदने के लिए बहुत सारे व्यापारी लोग आते हैं, बहुत सारे पशुपालक लोग आते हैं, तो उनको एक माध्यम चाहिए था। इन्हीं महिलाओं की तैयार की हुई गई अच्छी नस्ल उन लोगों को ज़रूर दी जाएगी और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। आपका नाम?
मैं डॉक्टर नवीन परिहार, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग।